नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या और एनकाउंटर में ढेर कुख्यात विकास दुबे की मां सरला देवी को अपने बेटे की याद सता रही। सरला देवी को अपने दूसरे बेटे दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपक दुबे के एनकाउंटर का डर सताने लगा है। दीप प्रकाश पर सोमवार देर रात 20,000 रुपए का इनाम घोषित होते ही उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित सरला देवी उससे सामने आने की अपील की। उधर पुलिस दीप प्रकाश का कोई सुराग नहीं लगा सकी। दीप प्रकाश जहाँ कहीं भी हो तो आ जाए, पुलिस के सामने आ जाए, हाजिर हो जाए, कहूँ भी आ जाए पुलिस तो फोन कर दें, घर में फोन कर दें, जहाँ कहीं भी हो तो जान बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारा पुलिस सब घर को मार डालेगी, सब बच्चन बच्चा से मारेगी। हाँ, तो बच्चे भी मर जाएंगे, बीवी भी मर जाएगी, तब तुम आओगे तब क्या कर, तब क्या होगा, जब बच्चे सब पीछे खींचा लीडर हो जाएगी तब तुम आओगे, है कि सब मर जाएगी तब आओगे, जहाँ कहीं हो दीप प्रकाश तुम आ जाओ, पुलिस के सामने आ जाओ, चाहे हाजिर हुई जाओ या घर में फ़ोन कर दो, जहाँ भी कहीं हो तो घर में फ़ोन कर दो, तुम्हारी सुरक्षा सब हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पुलिस भी कहती तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमको कुछ नहीं होगा, एक भाई के रिश्ते से तुम भागो मत, भागे से नहीं बचोगी। कभी वो संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों से? नहीं नहीं, एक फोन भी नहीं आया उस दिन से, जो करते तो कुछ बात होती, उनको समझा दिया जाता कि जल्दी पुलिस के सामने आ जाओ, पुलिस तुमको कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो कहते कि तुम चोर नहीं हो, तुम नहीं हो कुछ, तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम क्यों डरते हो, तुम सामने आओ, बात करो, अपनी बीवी बच्चे के सामने बात करो। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पूछताछ आपसे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सरला देवी की माँ ने तो जब से दीप प्रकाश दुबे फरार है तब से उसने घर के किसी सदस्य से बात नहीं की। सरला देवी ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया तो पुलिस के सामने आने में दिक्कत क्या है। आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें विकास दुबे की दबंगई साफ दिखती। कानपुर से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।